गुड इवनिंग दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। 4 बज चुके हैं दोस्तों, फटाफट आप हमारे साथ हमारे लाइव क्लास में आ जाएं और हमारे क्लास को एंजॉय करें। दोस्तों आपके सूचना के लिए एक बात बता दें, आज जो आपका क्लास हो रहा है वो रिकॉर्डिंग किया गया है। आज जो आपको लाइव नहीं चलेगा, लाइव आपको दिखेगा लेकिन हम लाइव आपका कमेंट हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन का आप ईमानदारी से जो है आप आंसर दे करके, आंसर देने के बाद अपना स्कोर वहां पर टाइप कर देंगे ताकि हम देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम बाद में भी उसमें देख पाएंगे कि किनका कितना स्कोर आया है, कितना आप लोग सही आंसर दिए हैं, इस चीज़ को जो है हम बाद में भी देख सकते हैं। इसलिए आप लोग ईमानदारी से जो है वहां पर टेस्ट देना है। जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आज आपके सामने, वो क्वेश्चन को आपको सही ईमानदारी से आंसर देना है। ओके, चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। 4 बजे का क्लास जो हमारा है, हम अपने क्लास को पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपके सामने अभी जो है लाइव हो रहा है। ओके, चलिए फटाफट आंसर देना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका श्रेय किनको जाता है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। आपको दूसरा स्लाइड में जो है आपको आंसर भी मिलेगा। चलिए बताइए, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, ये आपको बताना है, पेनिसिलिन। चलिए आंसर आप लोग देख लीजिए, ये है आपका आंसर अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है आपका पेनिसिलिन का खोज किया गया था दोस्तों। चलिए, ये चीज आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, हमारा कितना बार इस क्वेश्चन को रिपीटेशन हुआ है आप लोग पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य जो है मेमोलियास, जिसको स्तनधारी बोलते हैं, मनुष्य मेमोलियास वर्ग से संबंधित है। मनुष्य एक स्तनधारी जीव है, इस चीज को आप लोग जान रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से जो है कोई एक ऐसा है, इस ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो कि इसमें से नहीं आता है। कौन जो है मेमोलियास नहीं है, मतलब मेमोलियास का मतलब कौन एक स्तनधारी जीव नहीं है यहाँ में से, कौन सा एक स्तनधारी जीव नहीं है, वो आपको छांटना है। चलिए इसका आंसर आप लोग देना शुरू कीजिए फटाफट। चलिए आंसर देते रहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए देखिए आंसर, यह है आपका छिपकली। ठीक है दोस्तों, मनुष्य एक स्तनधारी वर्ग का है, ये आप लोग को पता है, और जो छिपकली है वो स्तनधारी जीव नहीं है, वो आपका आता है सरीसृप में। ठीक है, आपका किसमें आता है, सरीसृप में। ठीक है, सरीसृप को बोलने का मतलब है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया वर्ग में आता है जो छिपकली है आपका, रेप्टिलिया वर्ग में आता है। हम आपको लिख भी देते हैं, आपका वर्ग आता है रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टिलिया वर्ग में आता है छिपकली, जिसको सरीसृप बोला जाता है। ठीक है, सरीसृप इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए, कवक विज्ञान क्या है, कवक विज्ञान जिसको बोला जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, कवक विज्ञान को यहाँ पर माइकोलॉजी बोला जाता है, लिख देते हैं यहाँ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी जिसको कवक विज्ञान बोला जाता है, माइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। माइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, आप लोग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को पढ़िए, कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है वो आपको बताना है। ठीक है, माइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए आप लोग, हम इस कमेंट को बाद में भी देखेंगे। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे, स्कोर को भी हम बाद में देखेंगे। ओके, चलिए बताइए फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, सबका आंसर आ रहा होगा। ये देखिए, कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है वो है आपका कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का मतलब होता है आपका जो मशरूम होता है दोस्तों, मशरूम, वही मशरूम को बोला जाता है कुकुरमुत्ता। ठीक है, मशरूम को बोला जाता है कुकुरमुत्ता। ठीक है, मशरूम। ओके, चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के शिवमोशा जिले में, कर्नाटक का शिवमोशा जिले का वो कौन सा गाँव है जहाँ पर रोजमर्रा की बातचीत में लोग संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। कर्नाटक का वो कौन सा जगह है, कर्नाटक का एक शिवमोशा जिले है, जिला, उसमें वो कौन सा गांव है, कौन सा गांव है जहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में लोग किस चीज़ का यूज करता है, संस्कृत भाषा का यूज करता है, लोग संस्कृत में बात करता है। ठीक ना, तो वो कौन सा है आपको बताना।
चलिए बताइए कौन सा गांव है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। चार गांव दिया हुआ है, पहला है जीजी, गनोड़ा, मफतूर और श्याम सुंदरपुर। ये चार में से कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। चलिए आंसर देखिए अब आप लोग, यह है आपका मफतूर। ठीक है दोस्तों, मफतूर गांव है कर्नाटक का सिमोसा जिले का मफतूर गांव, जहां पर लोग सामान्य बातचीत के लिए जो है संस्कृत भाषा का, संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। मेलियोडोसिस, मेलियोडोसिस क्या है ये आपको बताना है। मेलियोडोसिस क्या है ये आपको बताना है, फटाफट बताइए मेलियोडोसिस का क्या मतलब। चलिए बताइए 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 जल्दी जल्दी बताइए। त्वचा से रिलेटेड है, स्मरण शक्ति से रिलेटेड है, संक्रामक रोग से रिलेटेड है, जोड़ों में पुराना दर्द से रिलेटेड है, क्या है आंसर क्या है इसका ये आपको बताना है। मेलियोडोसिस, चलिए आंसर देखिए आप। मेलियोडोसिस संक्रामक रोग का रोग से जो है फैलता है। मेलियोडोसिस का मतलब होता है, इस चीज को आप लोग जान लीजिए, जो एक दूसरे के मतलब संपर्क में आने से, यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण हुआ है उसके संपर्क में आ गए तो आपको उससे भी उस बीमारी को भी प्रभाव आपके शरीर में भी हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मेलियोडोसिस। एक तरह से हम लोग कोरोना वायरस का नाम ले सकते हैं। कोरोना वायरस क्या है, किसी को छूने से आपके ऊपर भी आ जाता है, वायरस का बीमारी होता है, वायरस से फैलने वाला बीमारी है, वायरस से, ठीक है, वायरस से भी फैलने वाली बीमारी है जिसको बोलते हैं संक्रामक रोग। ओके चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस चीज में अगला क्वेश्चन है आपका ये, भूगणित क्या है। भूगणित क्या है आपको बताना है। वैमानिकी की एक प्रशाखा है, हिम पर्वत का अध्ययन है, पहाड़ों का अध्ययन है। गणित की वह शाखा, वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है, क्या है भूगणित। चलिए बताइए फटाफट बताइए। चलिए आंसर देखते हैं, ये रहा आपका आंसर। गणित की वह प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, गणित की वह प्रशाखा जो कि पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ओके यही हो गया भूगणित। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, जनवरी 2016 में जो है महिला, यहाँ पर महिला होगा, थोड़ा सा आप लोग मिसप्रिंटिंग किया गया, महिला युगल है यहाँ पर, महिला युगल, ठीक ना, महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल का जो सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था ये आपको बताना है WTA पर। चलिए बताइए आंसर बताइए फटाफट आप लोग का। आंसर देखिए, उन्होंने लगातार 29वां महिला युगल मैच जीतने के साथ 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 29वां महिला युगल का खिताब मतलब जो है आपका डबल का जो होता है, डबल का जो खेल होता है, ठीक है, बैडमिंटन का जो यहाँ पर डबल का जो खेल हुआ उसमें क्या हुआ कि आपका 29वां महिला युगल मैच जीता था उन्होंने, और 22 वर्ष पुराना जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा गया, 22 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत एक गणतंत्र है तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये आप लोग को बतलाना है। गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ये आपको बतलाना है। चलिए बताइए गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। चलिए फटाफट बताइए फटाफट। चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग, यह है गणतंत्र का मतलब, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का जो प्रमुख होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य में मुख्यमंत्री बने तो उस मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, लोगों के द्वारा, हम लोग वोट देते हैं, लोगों द्वारा परोक्ष रूप से उसे चुना जाता है, तब जाके उसका चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव बोला जाता है, सभी लोगों के द्वारा चुना गया एक प्रमुख होता है किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र का, ठीक है, तो उसको बोला जाता है गणतंत्र। वह जो है गणतंत्र देश कहलाता है, भारत एक गणतंत्र देश। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सुस्ती क्या है। सुस्ती सब नॉर्मल क्वेश्चन है, सुस्ती क्या है, पशु निद्रा है, भोजन की कमी के कारण मौत हो जाना है, पानी प्रतिधारण है, या सपना देखने का एक चरण है। चलिए बताइए क्या है सुस्ती। चलिए आंसर देखिए आप लोग, सुस्ती क्या है दोस्तों, पशु निद्रा है। सुस्ती क्या है, पशु निद्रा है, ठीक है। सुस्ती को आप लोग को जान लीजिए क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन बोला जाता है, ठीक है, सुस्ती को एस्टिवेशन बोला जाता है।
यहाँ पर हम लिख भी देते हैं आप लोग को समझ में आए सुस्ती का क्या होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन बोला जाता है, ठीक है, एस्टिमेशन को सुस्ती बोला जाता है और इसी एस्टिमेशन का मतलब ही होता है पशु निद्रा। ओके, पशु निद्रा। और ये निद्रा रोग कहाँ से होता है ये आप लोग को बता दे थोड़ा सा। ये जो निद्रा रोग होता है, जो निद्रा रोग होता है, ये रोग जो है आपका दो कंट्री है जिसका नाम है जापान, जापान और दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये दो कंट्री में जो है सबसे ज्यादा मिलता है ये आपका निद्रा रोग। और वहां पर क्या है, इसमें किसके आधार पर फैलता है आपका, मक्खी के आधार पर, मक्खी के कारण फैलता है, मक्खी, ठीक ना, मक्खी के कारण फैलता है, ठीक है। सुस्ती रोग जो है दक्षिण अफ्रीका और जापान, ये दोनों देश में जो है निद्रा रोग सबसे ज्यादा मिलता है और वहीं का जो एक मक्खी है और उसी मक्खी के कारण यह निद्रा रोग होता है, सुस्ती होता है, एस्टिवेशन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है और वो किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, अब आंसर देखिए आप लोग, आंसर है चाइना, ठीक है दोस्तों, चाइना। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा जो है एक मूर्तियों का एक संग्रह है, एक मूर्ति का एक संग्रह है और वो जो है चीन, वो चीन देश के पहले सम्राट के सेनाओं को दर्शाता है, चीन देश के पहले सम्राट के सेनाओं को दर्शाता है, इसी को याद रखना आप लोग। टेराकोटा जो है मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों को कहते हैं, टेराकोटा किसी बोला जाता है, मिट्टी की पकी हुई टेराकोटा जो है बोला जाता है आपका मिट्टी का जो पका हुआ रहता है, मिट्टी मिट्टी की पकी हुई मूर्ति, ठीक है, मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों को कहा जाता है टेराकोटा। ओके, समझ आ गया, मिट्टी की पकी हुई मूर्ति को जो है क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर जनरेशन का एक से पांच का सही अनुक्रम चुनो। सही अनुक्रम क्या है, मतलब एक सीरीज में बताइए कि पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के जनरेशन में क्या क्या चीज यूज हुआ था उसके अनुसार से सीरीज में आपको ऑप्शन में दिया गया है वो कौन सा सीरीज आपका सही है ये आपको बताना। चलिए बताइए फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, आंसर देखिए आप लोग, ये रहा आपका आंसर, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब देख लीजिए, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, BSLI माइक्रो प्रोसेसर है, BSLSI माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद है फिर आपका ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, यही सीरीज जो है आपका सही है जो कि आपका जनरेशन वन टू, जनरेशन वन और फाइव का सही अनुक्रम है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसने तैयार किया था ये आपको बताना। नई दिल्ली में भारतीय संसद भवन जो है उसकी रचना किसने तैयार की थी ये आपको बताना। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को याद होगा इसे। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, तो आपको सही आंसर देना है, जिस तरह से आप लोग का तैयारी है उसके अनुसार से आप लोग सही आंसर देंगे, पढ़ के भी आए होंगे, आपको पूरा विश्वास है। चलिए आंसर देखिए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा, तो ज्यादातर शॉर्ट में सब कोई जानता है, शॉर्ट में क्या जानता है, लुटियंस और बेकर, यही नाम को जानता है, लुटियंस बेकर, लुटियंस और बेकर के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है और इसी के नाम से सब कोई जानता है, ठीक है, लुटियंस और बेकर के द्वारा जो है रचना किया गया था भारतीय संसद भवन का, ठीक है दोस्तों, सही है। तो बताइए भारतीय संसद भवन को कब तैयार किया गया था, भारतीय संसद भवन को जो है कब तैयार किया गया था ये आपको बताना, भारतीय संसद भवन को कब तैयार किया गया था,
चलिए फटाफट बताइए, भारतीय संसद भवन को कब तैयार किया था? आपको ईयर लिखना है, ईयर। चलिए तुमको याद है, मेरे को याद है तो फटाफट बता दीजिए आप। चलिए ठीक है, चलिए हम आंसर बता देते हैं। आपका जो है भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था आपका 1931। ठीक है दोस्तों, 1931 में हुआ था, बनकर तैयार हो गया था भारतीय संसद भवन को 1931 में, जो कि लुटियंस और हर्बर्ट के द्वारा रचना किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? महिलाओं का, वुमेन्स का जो है वो कौन सा ओलंपिक था, कौन सा ओलंपिक था जिसमें सभी स्पर्धा, ओलंपिक में जितने भी स्पर्धा होते हैं वो सभी स्पर्धाओं में जो है पार्टिसिपेट किए थे भारत का, इंडिया का, वुमेन्स। चलिए बताइए, इंडिया का ही नहीं, पूरा ऑल ओवर कंट्री का बात कर रहे हैं। ऑल ओवर कंट्री का वो महिलाओं का जो पार्टनरशिप हुआ था, मतलब पार्टिसिपेशन हुआ था, वो कौन से वर्ष में हुआ था जो कि सभी स्पर्धा में, सभी खेल में शामिल हुआ था? चलिए बताइए, फटाफट बताइए आप। सर देखिए, यहाँ देखिए आप लोग, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 1900, 2012, 2014, 1960। चलिए आंसर देखिए आप लोग, 2012 बिल्कुल सही है, जो कि लंदन ओलंपिक था आपका। ठीक है, लंदन ओलंपिक, लंदन ओलंपिक आपका जो है बिल्कुल सही है, 2012 में हुआ था दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था, उसी में जो है महिलाओं का सभी स्पर्धाओं में जो है पार्टिसिपेशन किया गया था। ठीक है, तो बताइए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी? आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक, ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो कब की गई थी आपको बताना, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत। चलिए बताइए, सबको पता होगा, बहुत इजी से क्वेश्चन है। चलिए हम बता देते हैं, 1896 में एथेंस यूनान से शुरू हुआ था। ठीक है, हो गया, अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनना है, भिन्न क्या है? भिन्न, इस गुंबद का मतलब आपको जान लीजिए, इस गुंबद का मतलब होता है साइरस, SIRIUS, ये साइरस होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है गुंबद का मतलब। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनना है। चलिए आंसर देखिए आप लोग, लुम्बक बिल्कुल सही है, साइरस आंसर बिल्कुल सही है, SIRIUS साइरस, ये बिल्कुल सही है। ये सभी क्या है? ग्रह, ये सभी ग्रह हैं, लेकिन ये जो है आपका ग्रह नहीं है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में जान लीजिए। साइरस क्या है? एक स्टार है, साइरस क्या है? एक स्टार है, और सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार। ठीक है, साइरस तारा सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है, और बाद बाकी जितना भी है आपका क्या है? ग्रह। ठीक है, ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? यदि किसी यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको एक बार प्रोग्रामिंग यदि कर दिया गया है तो उसमें और किसी प्रकार का संशोधन, मतलब फिर से उसका जो है किसी प्रकार से हम लोग संशोधन नहीं कर सकते, कुछ भी उसमें डेटा लेना, बाहर निकालना, कुछ भी नहीं हो सकता, वो कौन सा है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ई प्रॉम है, रैम है, ई प्रॉम है, लिंक है, चलिए बताइए। चलिए आंसर देख लीजिए, यह है आपका ई प्रॉम। ठीक है दोस्तों, ई प्रॉम है आपका आंसर, ई प्रॉम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, चलिए बताइए। आप लोग जो भी कंप्यूटर पढ़ते होंगे या तो थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा, एटलस, लियो, एनियन, लिंक। चलिए आंसर देखिए, यह है आपका लियो। ठीक है, लियो जो है आपका प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसियों का एक कॉलोनी नहीं स्थापित किया गया था, तो वो कौन सा जगह था जहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपनी कोई कॉलोनी स्थापित नहीं किया गया था, अपना जो है एक, मतलब एक क्या बोलते हैं, तो अपना कोई नगर नहीं स्थापित किया गया था, कोई कॉलोनी नहीं बनाया था, तो कौन सा जगह है ये आपको बताना।
चलिए बताइए, फटाफट बताइए। चलिए आंसर देखिए आप लोग, यह है पटना। ठीक है, पटना में जो है किसी प्रकार की कॉलोनी स्थापित नहीं किया गया था फ्रांसिसियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? कौन सा देश है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है होकर नहीं गुजरती है? कौन सा नदी है? चलिए बताइए फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, सबका आंसर सही आ रहा है, वो है आपका नेपाल। ठीक है दोस्तों, नेपाल से होकर नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है। इसकी कुल लंबाई आप लोग जान लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर है इसका टोटल लंबाई। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी और नेपाल से होकर वो नहीं गुजरती है आपका, चाइना के तिब्बत से ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत जो चाइना से होकर होता है, फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में और चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ये तो रिपीटेशन है क्वेश्चन, पहले भी पूछा जा चुका है कई बार। चलिए बताइए, महान सम्राट जो अशोक है वो किस वंश के थे, कौन से वंश के थे वो? चलिए आंसर देखिए, मौर्य वंश के। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक जो थे, मौर्य वंश के थे। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन जो प्रावधान होता है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो आपातकालीन जो है, आपातकालीन का जो प्रावधान है, ठीक ना, आपातकालीन का जो प्रावधान है, ये कौन से कंट्री से लिया गया है आपको बताना, कौन से कंट्री से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान, ये आपको बताना है। अमेरिका लिया, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से, कैनेडा से, कौन सा कंट्री से लिया गया? चलिए आंसर देखिए आप लोग, यह है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का जो प्रावधान है, वो आपका जर्मनी से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये वाला निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? वो कौन सा ग्रह है कि जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं? चलिए बताइए। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट दीजिए आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आंसर देखिए, वो है आपका शुक्र। ठीक है, दो ग्रह होता है जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, वो दो ग्रह है आपका, एक है शुक्र और दूसरा है बुध। तो पहला है शुक्र, आपका शुक्र ग्रह, और दूसरा है बुध। ये दो ग्रह है जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सही है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है पृथ्वी का, वो आपका चंद्रमा है, पृथ्वी का। चलिए सही है। सबसे छोटा ग्रह का नाम बताइए आप लोग, सबसे छोटा ग्रह का नाम है बुध। ठीक है, और शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है आपका? सबसे चमकीला ग्रह, और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? अभी हम बताए थे साइरस, सबसे बड़ा जो है साइरस, सबसे बड़ा चमकीला जो तारा है आपका, चमकीला तारा, वह है आपका साइरस। और ग्रह में पूछेगा तो शुक्र, और सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। कौन सा कहा है? बिहार का। चलिए बिहार का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? श्रीलंका को किस वर्ष जो है डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट। चलिए आंसर देखिए आपको, 1948। ठीक है दोस्तों, 1948। और यहाँ पर बता दें कि आपको इसका जो राजधानी है श्रीलंका को, वो आपको कोलंबो है। अभी कुछ उसका नाम जो है श्री विद्यावर्धने कोटे इस तरह करके है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा उससे रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, आपको बताना है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? चलिए बहुत ईजी है, बताइए आपको। NaCl को सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। आंसर देखिए, यह आपका नमक का। ठीक है दोस्तों, NaCl जो है रासायनिक सूत्र है आपका नमक का। ओके, नमक का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन में आता है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा जो है किया गया है, आपको बताना। इसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था, ये आपको बताना।
जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किलाए कुहला मस्जिद दिल्ली, कौन सा है आपको बताना। चलिए आंसर देखिए आप, ये है आपका जामा मस्जिद। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जिसको बोला जाता है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। ठीक है, और लाहौर मस्जिद जो दिया गया है यहाँ पर, बादशाही मस्जिद लाहौर, ये आपका औरंगजेब ने बनवाया था, इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। यह जो है आपका जो है औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, ये आपका शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछेंगे, दिल्ली की जो है, दिल्ली का पुराना किला अवस्थित जो आपका कुहला मस्जिद है, कुहला इसको किला ये कुहला मस्जिद, ये आपका इस चीज़ के लिए रिकॉर्ड बनाया हुआ है। किस चीज़ के लिए? सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद। ठीक ना, सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद आपका है ये कुहला मस्जिद। ठीक है, जो कि दिल्ली में सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद जो है आपका कुहला मंदिर है। ओके, कुहला मस्जिद। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है, जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चलिए, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इस क्वेश्चन को, आंसर देख लीजिए आप लोग। यह आपका स्मैश। ठीक है, स्मैश, उस वो जो शटल जिसको आप लोग नीचे की तरफ तेजी से फेंका जाता है, मारा जाता है, हिट किया जाता है, उसको स्मैश बोला जाता है, यूज होता है बैडमिंटन में, इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, 2019 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यहाँ जो करेगा है उसको लिख दीजिए, किया लिख दीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है करेगा, इसको हटा दीजिए, यहाँ लिखिए किया। कौन सा देश ने किया मेजबानी, ये आपको बताना। यहाँ से देखिए आप लोग, ये था जापान। ठीक है, 2019 का जो रग्बी हुआ था, ये आपका जापान ने किया था 2019। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। CRISPR का क्या अभिप्राय, CRISPR, चलिए बताइए, बताइए फटाफट। चलिए आंसर देखिए, यह आंसर क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीटर्स। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ आपका क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीटर्स, यही है इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, किसके कारण जल प्रदूषण नहीं होता, इसे ही कुछ हो सकता है क्या, बताइए आप लोग, इसे ही कुछ हो सकता है, समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, मछली पकड़ना, तेल फैलाना, इसके कारण जो है प्रदूषण का कारण नहीं होता। आंसर देखिए आपका, तट पर मछली पकड़ना, आप तालाब में मछली पकड़ने जाते हैं, उसके कारण से जो प्रदूषण नहीं फैलती, तट पर यदि कोई मछली पकड़ता है जाल फेंकते, उससे प्रदूषण नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है इसका, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था, तो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता, वो किस प्राणी का था जो कि जिसका जीनोम को नवंबर में प्रकाशित, मतलब आपका प्रकाशित किया गया था, उस जीनोम को आपका डीएनए से रिलेटेड है, जीनोम जो है, ये जीनोम जो वर्ड आपका दिया गया है आपका डीएनए से रिलेटेड है। ठीक है, डीएनए से रिलेटेड है, और ये एक ऐसा चीज़ है जो मतलब एक बार खाना खा लेगा तो 10 वर्ष तक उसको भोजन और पानी के बिना जो है जीवित रह सकता, ऐसा जीनोम, उस चीज़ को जो है आपका प्रकाशित किया गया था, तो कौन सा प्राणी का था ये आपको बताना था। उसको और किस नाम से जाना जाता है इस चीज़ को भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ किस नाम से जाना जा रहा है, मास पिगलेट भी कहा जाता है उसको। ठीक है, उसको मास पिगलेट भी कहा जाता है। चलिए आंसर देखिए आप लोग का, ये है आंसर टार्ड ग्रेड। ठीक है, उसका आंसर क्या है, टार्ड ग्रेड, इसका हम इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं आपको, इंग्लिश में लिख देते हैं TRADIGATTE। ठीक है, हो गया टार्ड ग्रेड। ओके, चलिए ये हमारा क्वेश्चन लास्ट हो गया। चलिए, हमारे साथ इतना देर तक आप बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो क्लास था, हम लाइव चैट आप लोग का नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग को लाइव क्लास किया गया है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें,
आज के क्लास को जितना भी क्वेश्चन कराया गया है उस क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लें और अपना स्कोर भी आप इसमें जो है फिलअप कर दें, ताकि हम बाद में जो देखें तब हम आपका नंबर और स्कोर देख पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।